गुड इवनिंग एवरी वन. वॉट वी गोना स्टडी टूडे? टूडे वी स्टडी आर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 2, जेंडर. दे आर 4 जेंडर्स इन आर इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने जेंडर होते हैं? 4 टाइप के जेंडर होते हैं. फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? नाउन्स विच सिग्निफाई मेल पीपल और एनिमल्स. मेल जो व्यक्ति होता है, मेल जो ह्यूमन्स होते हैं उनके बारे में और एनिमल्स के बारे में जो अपन को बताता है वो कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स होती है. लाइक मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉयन, ईटीसी. ये सब क्या हैं? मैस्कुलिन जेंडर हैं. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जो लेडी से रिलेटेड होते हैं. नाउन्स विच सिग्निफाई फीमेल पीपल. ये किसके बारे में बताता है? पीपल में कौन? फीमेल. ठीक है, तो ये फीमेल ह्यूमंस के बारे में और फीमेल एनिमल्स के बारे में बताता है. वो कौन सा जेंडर होता है? फेमिनाइन जेंडर नाउंस होती है. लाइक वुमेन, औरत, लड़की, मदर, काउ एंड लॉयनेस. ये सब क्या है? फीमेल पीपल और फीमेल एनिमल है. ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? दे आर नाउंस वर्ड विच कैन बी यूज फॉर बोथ मेल और फीमेल. जो मेल और वीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, या तो वो पीपल हो या एनिमल हो, तो वो क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा. लाइक टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है. स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. सर्वेंट नौकर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. फ्रेंड वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ATC. तो ये क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? दोज नाउन विच सिग्निफाई नॉन लिविंग थिंग. जो नॉन लिविंग थिंग बताता है, निर्जीव चीज़ों के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है. लाइक पैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. बुक भी नॉन लिविंग थिंग है. टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है. ट्री भी नॉन लिविंग थिंग है. चेयर भी नॉन लिविंग थिंग है. अब अपन इसके रूल्स पढ़ते हैं. कुछ रूल्स ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर. अब अपन को मैस्कुलिन जेंडर से क्या बनाना है? फेमिनाइन जेंडर बनाना है. मेल जेंडर से फीमेल जेंडर बनाना है. रूल नंबर 1, फेमिनाइन जेंडर इज फॉर्म बाय चेंजिंग द वर्ड. बोसीबा फेमिनाइन जेंडर कैसे बन जाता है? वर्ड को चेंज करने पर बन जाता है. यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, नेफ्यू का नीस, हस्बैंड का वाइफ, डॉग का बेट, जेंटलमैन का लेडी, सर का मैडम, बुल का काउ, हॉर्स का मेयर. ठीक है, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंट, सन का डॉटर, कॉक का हैन, ड्रॉन का बी. ड्रॉन क्या होता है? मेल मधुमक्खी होती है, बी फीमेल मधुमक्खी होती है. किंग का क्वीन, विजार्ड का विच, लैट का लास्ट. रूल नंबर 2, सम फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डबल एस एट द एंड ऑफ मैस्कुलर जेंडर. मैस्कुलर जेंडर के पीछे ई डबल एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? फीमेल जेंडर बन जाएगा. नाउ कम टू द रूल नंबर 3, सम फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग लास्ट वोवल एंड एडिंग ई डबल एस. बहुत से क्या होते हैं? लास्ट जो भी वोवल दे रखा हो उसको रिमूव करके उसमें क्या लगाना? ई डबल एस. उससे भी क्या बन जाते हैं? कुछ फेमिनाइन से, सॉरी मस्कुलर से फेमिनाइन जेंडर बन जाते हैं. नाउ कम टू द रूल नंबर 4, सम फीमेल जेंडर वर्ड्स आर फॉर्म बाय रैंडमली एडिंग ई डबल एस और डबल एस और एस इन द नाउंस. उससे भी क्या बन जाते हैं? मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बन जाते हैं. या तो आपको ई डबल एस ऐड करना है, डबल एस या एस. ठीक है, नाउ कम टू द रूल नंबर 5, सम फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स आर नॉट फॉर्म बाय एनी ऑफ द अबव रूल्स. कुछ में ऐसे रूल्स नहीं लगते हैं, उनके डायरेक्टली कुछ जेंडर होते हैं. ठीक है, जैसे ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, हीरो का हीरोइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट शीट, रूल नंबर 6, सम फेमिनाइन जेंडर फॉर्म्ड आर बाय चेंजिंग बिगनिंग और एंड वर्ड ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. क्या होता है? जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड तो सेम रहेगा, फादर से क्या बन गया? मदर बन गया. तो ऐसे भी क्या बन जाते हैं? कुछ जेंडर. स्टेप सन की जगह स्टेप डॉटर, तो पीछे वाला चेंज हुआ, आगे वाला सेम रहा. मेन सर्वेंट की जगह मेड सर्वेंट, मतलब एक वर्ड सेम रहेगा, एक वर्ड डिफरेंट हो जाएगा. मिल्क मैन की जगह मिल्क मैड. ठीक है, अभी आपको एक्सरसाइज गिवन है, इस होमवर्क को करना है. मैं इसके आंसर की आपको पिक्स में शेयर कर दूंगी और आपको ये पूरा वर्क नोटबुक में करना है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ओके.